हाय एवरीवन, तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए कढ़ाई पनीर रेसिपी, और ये रेसिपी है मीनाक्षी की, तो पूरा क्रेडिट उसको जाता है। तो आज हम लोग बनाएंगे कढ़ाई पनीर, और बहुत ही ज़्यादा यमी है, डिलीशियस है, फिंगर लिकिंग है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोगों को कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई में अच्छा भुनता है मसाला, तो आप लोग लोहे की कढ़ाई हो तो बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लोग उसमें डालेंगे एक बड़ी इलायची, और हम लोग एक लाल मिर्च डालेंगे। साथ साथ मैंने यहाँ पे सफ़ेद तिल लिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब साबुत धनिया लिया है। और इसको हम लोग सबसे पहले भूनेंगे, और भूनने के बाद हम लोग इसको मिक्सी में पीसेंगे। तो ये तो हमारा एक इंग्रेडिएंट, जो बहुत मेन इंग्रेडिएंट बेसिक है, वो हम लोगों ने ले लिया है। साथ साथ मैंने यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको क्यूब्स में कट करना है, जस्ट लाइक वी डू इन चाइनीज़। 2 टमाटर हैं, 1 बड़ी प्याज भी है, और इधर फाइनली चॉप हम लोगों ने 1.5 प्याज ली है, साथ में पनीर क्यूब्स में कर लिया। उसके बाद हम लोगों को एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब हम लोगों को तेल गरम करना है, और जब तेल गरम हो जाए तो उसमें 1.5 प्याज, 1.5 मीडियम साइज जो प्याज हमने फाइनली चॉप करी थी, उसको भून लेंगे नमक डाल के। फ्राई करना है, सौते करना है आप ये कह सकते हो, टिल इट टर्न्स गोल्डन ब्राउन। देखिए हमारा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो गया। उसके बाद मैंने इसमें डाला है कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च भी आप डाल सकते हो, यूज़ कर सकते हो इफ़ यू हैव। थोड़ा सा उसमें रंगत आ जाती है और थोड़ा सा तीखापन आ जाता है। तो जैसे ही हम लोग इसमें देगी मिर्च डालेंगे, और ये आपको लगेगा भुन गया है, उसके बाद हम लोगों को इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है। हम लोगों ने इसमें 1/2 इंच अदरक लिया है, और 3 गार्लिक लिए थे। जब उनका भी रॉपन चला जाए अदरक और लहसुन का, उसके बाद हम लोग इसमें टमाटर डालेंगे, रफली चॉप टमाटर है। और इसको हम लोगों को तब तक सौते करना है जब तक ये पूरा अच्छे से मैश नहीं हो जाता, और इसकी जो ग्रेवी है थोड़ी सी गाढ़ी सी नहीं हो जाती, तब तक हम लोग इसको सौते करेंगे। जैसे ही आपको लगे थोड़ा सा गल गया है टमाटर, क्योंकि ऑलरेडी इसमें नमक है, और हम लोग उसके बाद उसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, ताकि और अच्छे से पेस्ट बन जाए इसका, गाढ़ा सा हो जाए। जब कच्चापन निकल जाएगा टमाटर का, हम लोगों को इसको अच्छे से पीसना है मिक्सी में। 5 से 10 मिनट में आपका जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाएगा एंड रेडी हो जाएगा मिक्सी में पीसने के लिए। तो आप लोगों को जैसे ही ठंडा हो जाए, ठंडे होने का वेट करना है, और उसके बाद फिर इसको मिक्सी में ट्रांसफ़र कर देना है एंड इसका पेस्ट बना लेना है। थोड़ा थिक पेस्ट बनेगा, बट बहुत ही ज़्यादा यमी होगा, तो इसको पेस्ट बना लें फटाफट। और तब तक हम लोगों ने साइड में मैरिनेट कर दिया था पनीर। पनीर को हम लोगों ने नमक मिर्च से ही मैरिनेट किया है, इसमें हल्दी नहीं डाली है। तो आप लोगों को अगर पसंद है पनीर के अंदर तक नमक, तो आप ज़रूर उसको मैरिनेट कर दें, वरना जो पनीर होता है थोड़ा सा फीका फीका सा लगता है। आप एक पतला सा बर्तन जिसकी परत पतली हो एक ले लें, अगर वोक है आपके पास जिसमें हम लोग चाइनीज़ बनाते हैं, तो वेल एंड गुड है, वरना कुछ इस तरह का बर्तन लेना पड़ेगा। एंड उसमें हम लोगों को डालना है तेल, 1 टेबल स्पून के करीब तेल डाला है, और जो भी हम लोगों ने वेजीज कट करा था क्यूब्स में, उसको हम लोगों को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देना है, और इसको सौते करना है 5 मिनट तक, एंड इसको हाफ कुक करना है, जस्ट लाइक चाइनीज़ हक्का नूडल वगैरह में जैसे हम लोग करते हैं, सेम वैसे ही। थोड़ा सा कच्चा रखना है, एंड हिला हिला के इसको ज़्यादा अच्छे से अगर आप करेंगे तो बेटर रहेगा, वरना टूट जाएंगे जो हमने क्यूब्स कट करा है। उसके बाद हम लोग इसमें जो हमने चिलीज़ कट करा था वो डालेंगे, चिलीज़ जो होंगी उसको हम लोग लंबाई में कट करेंगे। जब आपको लगे आपकी सब्ज़ियाँ हाफ कुक हो गई है, उसके बाद फिर आप जो पनीर हम लोगों ने मैरिनेट करके रखा था उसको डाल दें, एंड इसको हम लोग सौते करेंगे। ये हिला के इस तरह से करना है ताकि पनीर टूटे ना। क्योंकि गाइस ये जो बर्तन है वो थोड़ा सा थिन है, पतला है नीचे से, तो जल्दी लगने लग जाता है। तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू बी अ लिटिल बिट प्रोफेशनल, और उसको कुछ इस तरह से हिलाना है। हम लोगों को यही स्टाइल पसंद आता है, हम लोग ज़्यादा इसको करछी से नहीं हिलाते, वरना ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जितनी भी क्यूब्स में आपको चीज़ें दिख रही हैं। और उसके बाद जो हम लोगों ने मसाला ग्राइंड किया था, खड़ा मसाला, वो हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। दिस इज़ द मेन इन्ग्रीडियंट गाइज, तो बी केयरफुल। एंड फाइनली इसमें डालेंगे जो हमने प्योरे जो पेस्ट बनाया था टमाटर प्याज गार्लिक का, तो उसको हम लोग इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे।
थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और इसको पहले हाथ में अच्छे से रगड़ लेना, उसके बाद डालना, बहुत ही सुंदर अरोमा आता है कस्तूरी मेथी का। और इसको हिलाएंगे अच्छे से, our kadhai paneer is ready to serve।